डोंबिवली पूर्व से संकेश्वर नगर के लिए रिक्शा पकड़ने वाले प्रमोद मिश्रा तथा सुधा मिश्रा 15,000 नगद और महत्वपूर्ण पेंशन से संबंधित कागज पत्र रिक्शा में ही भूल गए। इसकी जानकारी वृद्ध दंपत्ति ने रामनगर पुलिस को दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रिक्शा चालक की सहायता से उस व्यक्ति को पकड़ लिया जो रिक्शा से नकदी और कागजात लेकर फरार हो गया था। आइए लेते हैं पीड़ित प्रमोद मिश्रा से पूरी जानकारी। हम इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि शनिवार की रात को हम रात को करीब 10:45 बजे अपने हमारे रिश्तेदार जो बीमार थे उनको देख के आए, ऑटो किया स्टेशन से और घर की तरफ घर गए। वहाँ पे उतर गए ऑटो से तो वाइफ का पर्स गिर गया था तो हम लोग भूल गए। घर पे जब वाइफ ने बताया तो मैंने अपनी सोसाइटी से ऑटो का नंबर सीसी कैमरा से मिला, फिर हमने इसको ढूंढा नहीं मिला कोई ऑटो वाला, रात हो गई थी। फिर दूसरे दिन हम यहाँ आए और जो ऑटो स्टैंड में है उनकी यूनियन से भी बताया, उन्होंने भी गाइड किया कि आप पुलिस में भी दीजिए, वो ऑटो नंबर आपके पास है तो वो देंगे। हम यहाँ आए पुलिस स्टेशन में, मिस्टर लोखंडे जी थे, उन्होंने हमें अच्छा सहयोग दिया, नंबर दिया और मुझे एश्योरेंस दिया कि आप हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं और हमें थोड़ा समय दीजिए। और उसके अनुसार उन्होंने अपनी तहकीकात से हमारा पर्स ढूंढ के दिया और आज सोमवार के दिन दो दिन के अंदर उन्होंने मेहनत करके हमें हमारा पर्स और पैसा वापस कराया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और पब्लिक से ये कहता हूँ कि पुलिस से विश्वास करिए, वो आपका सहयोग करेंगे, आप उनके साथ सहयोग करिए, ये मेरा इतना कहना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार मिश्रा है, रिटायर्ड हूँ मैं रेलवे से, मैं पेंशनर हूँ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।